की हिंदी टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे, पार्ट पांच। क्या है पार्ट पांच? पार्ट पांच क्या है बच्चों? सागर का किनारा। पार्ट पांच क्या है? सागर का किनारा। तो सागर के किनारे पर क्या है? यहाँ पर सागर का किनारा, एक छोटा सा सागर का किनारा। यहाँ पर देखो सागर के किनारे पर क्या क्या है? बहन झूला झूल रही है और लड़का पतंग उड़ा रहा है, मछुआरा मच्छी पकड़ रहा है और यहाँ पर एक लड़का कुछ खा रहा है और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी छड़ी पकड़कर, अपने हाथ में लाठी पकड़कर यहाँ से वहाँ टहल रहा है। ये यहाँ का सागर के किनारे का दृश्य है, सी का दृश्य है। यहाँ पर देखो सागर किनारे झूले बहना, सागर किनारे झूले बहना, भैया पतंग उड़ाता, सागर के तट पर जाना सबके मन को भाता, सबके मन को भाता। सागर के किनारे झूले बहना, यहाँ पर बहना क्या कर रही है? झूला झूल रही है। भैया क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। सागर के तट पर जाना, सागर के तट पर जाना सबके मन को भाता। किसी को पानी के पास जाना बहुत अच्छा लगता ना, वो ऐसे समुद्र में सागर के पास जाना सबको अच्छा लगता है। तो ये सागर का किनारे का दृश्य है। किनारा में कॉर्नर, जहाँ समुद्र है सागर है, वहां पर अपन बैठने के लिए, कुछ काम करने के लिए या उधर इधर टहलने के लिए थोड़ी सी जगह रहती ना, किनारा कॉर्नर है ना, वहां का दृश्य है। ये पूरा पानी है आपको दिखाई दे रहा। तो इसमें कौन से अक्षर सीखे अपन? यहाँ पर देखो अपन इन्हीं तक सीखे थे, तो अब याद क्या है इन्हीं तक सीखेंगे, ठीक है? तो पहले छ, क्या है? च से चौसे चरका। क्या है यहाँ पर? च से चरका। फिर उसके बाद छ से छतरी, छ से छतरी, च से चरका, च से छतरी। तो ये दो अक्षर अपन सीखेंगे आज। कितने अक्षर सीखेंगे? दो अक्षर। ऑलरेडी मैं ये पहले क्लास में भी आपको ली, लेकिन आपको अभी बुक नंबर 4 ने ली है आप लोग, तो फिर से मैं आपको रिवाइज कर लेंगे। छ से चरका, छ से छतरी। तो यहाँ पर पहले अपन वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला में पहले क्या है? स्वर है। वर्णमाला में पहले क्या है? स्वर है। स्वर कितने हैं? 13 है। कितने हैं स्वर? 13।
यहाँ पर ए आई है, ए आई, तो यहाँ पर ए और आई का अभ्यास भी दिया गया है। उसके बाद ओ औ, ओ से ओखली, औ से औरत, ए से एल्बम, आई से आईना। उसके बाद ओ का औ का अभ्यास भी यहाँ पर दिया गया है। ये सब अभ्यास आपको आगे होंगे बच्चों। और यहाँ पर अम से अंगूर, हा से हा हा हा। उसके बाद यहाँ पर अम का अभ्यास दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आ से आहा तक आपको एक कविता दिया गया है। क्या है कविता यहाँ पर? आ से अनार, आ से आम, करते हैं हम अच्छे काम, ई से इडली, ई से ई, अपनाते हम अच्छी सी, ऊ से उपहार, ऊ से ऊन, खूब खेलते मई और जून, रू से ऋतु, आती हर बार सबसे अच्छी बसंत बहार, ए से एल्बम, आई से आईनक, बच्चे हैं इस दुनिया की रौनक, ओ से ओकली, औ से औरत। यहाँ पर क्या है, इस तरह अक्षर सीखने की हमें है जरूरत। ये कविता है। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको कौन सा भी एक ऑप्शन आपको अपने आप लिखना है। यहाँ पर पाठ चार, अभी अपन पिछली कक्षा में पाठ चार पढ़ चुके हैं। क से कमल, क से खरगोश, उसका अभ्यास है। उसके बाद ग से गमला, घ से घड़ा, और यहाँ पर उसका अभ्यास है। आज अपन क्या सीखे हैं? सागर का किनारा। आज अपन कौन सा पाठ सीखे हैं? पाठ पांच। क्या है? सागर के किनारे झूले बहना, भैया पतंग उड़ाता, सागर के तट पर जाना सबके मन को भाता। तो आज कौन से दो अक्षर सीखे अपन? छ से चरका, छ से छतरी। तो इसका अभ्यास है यहाँ पर। इसका अभ्यास क्या है? वर्ण पहचानिए और समान वर्णों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर छ को कांचा है, यहाँ पर गोले में आपको क्या करना है? यहाँ पर छ को गोला करना है। यहाँ पर छ से छतरी वाला छ है, तो यहाँ पर छ ध्यान दिए है, वहां पर क्या करना है आपको? गोला करना है। और यहाँ पर छ से मैच करना है आपको, चरका कहाँ है वहाँ लाइन करना है, छतरी कहाँ है वहाँ पर आपको रेखा खींचना है। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। यहाँ पर चरके का छ लिखना है, छतरी का छ लिखना है। वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको गोले में छ दिया गया है, तो यहाँ पर पूरे में आपको छ लिखना है। यहाँ पर दूसरा छ वाला छतरी वाला छ दिया है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर गोले में छ दिया गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना आप कंप्लीट करना है। बुक फोर, आप स्मार्ट बुक फोर लेना है और कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। धन्यवाद।